हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड आर्ट, माय पैशन माय वे बाय निरूपा गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम मिष्टी दोई बना रहे हैं। मीठी दही जैसे मार्केट में मिलती है उस तरह से ही हम बनाएंगे। और उसके लिए हमको जो जो चीज़ें चाहिए है, ज़्यादा चीज़ें हमको नहीं लगने वाली है, सिर्फ दूध। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, शक्कर 6 टीस्पून शक्कर लिया है, और ये थोड़ी सी दही, दही जमाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। हमने दूध पॉट में ले लिया है, इस बर्तन में डाल दिया है। इसको हम 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लेंगे। उबालना है और 10 से 15 मिनट इसको पकाना है। और हमने ये जो शक्कर रखी है यहाँ पे, इसको हम दो में डिवाइड करेंगे। आधा शक्कर हम उबलते हुए दूध में डालेंगे और आधे का कैरमलाइज करेंगे। मिष्टी दही में जो पिंकिश कलर आता है वो इसी कैरमलाइज शक्कर से आता है, जो हम अभी बनाने वाले हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा दूध काफ़ी अच्छे से पक चुका है। देखिए इसमें मलाई भी आ गई है। अब इसमें हम आधी शक्कर जो हमने रखी है, आधी शक्कर इसमें डाल देते हैं और आधे को हम कैरमलाइज करेंगे। हमने ये पैन ले लिया है, नॉनस्टिक पैन है। इसमें हम बची हुई शक्कर डाल देते हैं और इसको पूरा अच्छा तरह से मेल्ट कर लेंगे, जब तक कि वो पिंकिश ब्राउन या गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमारी शुगर काफ़ी अच्छे से कैरमलाइज्ड हो रही है। इसको हम अब जो हमने दूध उबाल के रखा है उसमें डाल देंगे और 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे दूध को। हम ये शुगर इसमें दूध में डाल देते हैं। यही जो शुगर है हमारे दही को एक पिंकिश कलर देने वाले हैं। इसको अच्छा सा 2 मिनट पका लेंगे। देखिए हमारे दूध का कलर हल्का सा पिंकिश हो गया है। आप लोगों को शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, बट ये पिंकिश हो चुका है। अब इसको हम एकदम गुनगुना कर लेंगे। इसको थोड़ा सा रेस्टिंग के लिए रख देते हैं और ये जब पूरी तरह से गुनगुना हो जाए तब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। हमारा दूध काफ़ी अच्छा गुनगुना हो गया है और देखिए पिंकिश भी दिख रहा है। इसमें हम अब थोड़ा सा ये जो हमने दही लिया है इसको डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 टीस्पून डालना है और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। हमने दही अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको अब हम जमाने के लिए पॉट में डाल देते हैं। मेरे पास में ये कुछ आइसक्रीम के पॉट्स है, इसको मैं दही जमाने के लिए यूज़ करती हूँ। चलिए इसमें एक बार डाल देते हैं। हमने ये दही जमा ली है इसमें। अब इसको एक कॉर्नर में जहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो वहाँ पे हम रख देते हैं। इस पर हम अच्छे से पहले ढक्कन लगा देंगे इसके। ये 2 कप है मेरे पास मिट्टी के, इसमें भी मैंने डाल दिया है दही। तो चलिए मिलते हैं 2 घंटे के बाद में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने दही रखी थी जमाने के लिए और काफ़ी समय हो गया है, 2 या 2.5 घंटे से ज़्यादा। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी दही कैसे जमी है। एक बार देख लेते हैं हम। देखिए यह हमारी मिष्टी दोई है, मीठी दही। देखिए ये देखिए कितनी सुंदर जम गई है हमारी दही। हम इसको कट करके देख लेते हैं।
देखिए पानी भी नहीं है इसमें, बिल्कुल एकदम आइसक्रीम की तरह दिख रही है। तो फ्रेंड्स आप भी इस मेथड से करिएगा मिष्टी दही, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी दही कैसे बनी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये सब। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।